नमस्कार, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्रदूषण के चलते दिल्ली में स्कूल बंद का ऐलान। लॉकडाउन पर सीएम केजरीवाल ने कही ये बात। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लेकर गंभीरता जताते हुए दिल्ली सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। शनिवार शाम को एक बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण काफ़ी बढ़ा हुआ है। 30 सितंबर तक दिल्ली की हवा साफ थी, लेकिन उसके बाद प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही पराली के सवाल पर सीएम ने कहा है कि यह समय उंगली उठाने का नहीं है। हमारा मकसद यह है कि आपातकाल जैसे हालात से जल्द निपटा जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी शनिवार को दिल्ली एनसीआर से वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी को आपात स्थिति बताते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा है कि वो वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी में सुधार के लिए आपात कदम उठाए। सीएम केजरीवाल ने किए ये बड़े ऐलान। दिल्ली में सोमवार से बंद होंगे स्कूल, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे। 14 से 17 नवंबर के बीच सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद रहेंगी। कुछ दिनों तक सभी सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन काम जारी रहेगा। सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। साथ ही सभी प्राइवेट ऑफिस को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वर्क फ्रॉम होम को फिर से लागू किया जाए।